नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ एबीसी कार्ड के बारे में। दोस्तों अभी एबीसी कार्ड बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, जैसे कि आप जो यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो वहां से बोला जा रहा है कि आप अपना एबीसी कार्ड बना लीजिए, जिसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो ये कार्ड हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाया। बहुत ही सिंपल स्टेप में वीडियो है दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा प्रॉपर देखते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज दोस्तों इस वीडियो को पूरा केयरफुली देखिए, तभी आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। और आपके एक सब्सक्राइब से मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो बना के आपको बताता रहा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप जब एबीसी जो गूगल पे टाइप कीजिएगा, एबीसी कार्ड इस टाइप से, तो आपको ऐसे ही लिंक इस प्रकार के खुल के आएगा, जैसे मैंने पहले से दिखा दिया था। कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। जैसे ये खुल गया दोस्तों, ये देख लीजिए, तो ये खुलने का आपको क्या करना है, माई अकाउंट पे क्लिक करना है और स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो इस आईडी को चलाने के लिए या इस आईडी को बनाने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले दोस्तों इस आईडी को बनाने के लिए या इससे कार्ड बनाने के लिए आपको डिजी लॉकर बनाना होता है। अगर आप ऑलरेडी डिजी लॉकर बना चुके हैं दोस्तों, तब आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है और आप इस चीज पे नए हैं और आपने कभी डिजी लॉकर नहीं बनाया, आईबीसी कार्ड नहीं बनाया, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा, जो इस प्रकार है। साइन अप करने के लिए आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना होगा दोस्तों। मोबाइल नंबर वो डालेगा जो आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक हो। जैसे इसमें नंबर डालेंगे दोस्तों, गेट ओटीपी करना होगा, जो जनरेट ओटीपी होता है, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी से इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाता है सेलेक्ट आइडेंटिफाई टैब। यहाँ पे तीन ऑप्शन खुलेगा आपको। पहला ऑप्शन होगा आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक आईडी कार्ड होगा। तो सबसे आप क्या कीजिएगा, आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फुल नेम बोला जाएगा, आप अपना नाम जो आधार कार्ड पे है वो डालिए। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस पे डाल दीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो आधार कार्ड पे लिखा है वो डालिएगा। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट जेंडर कीजिएगा। इसके बाद आपको यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या है दोस्तों, यूजर नेम जैसे कि कुछ, जैसे फेसबुक है, गूगल है, कुछ भी चीजें चलाने के लिए यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत होता है ना, इसमें भी यूजर नेम, वैसे ये मोबाइल से भी लॉग इन हो जाएगा, मगर आपको इसमें यूजर नेम बनाना होगा, क्योंकि इसमें स्टार मार्क का लगा होगा। तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम शुभम है, तो आप बनाएंगे यूजर नेम में DBG शुभम 1 2 3 4 5, जो आपको डालना है। ठीक है, ऐसा अक्षर डालना है, ऐसा अंक डालना है, ऐसा वर्ड डालना है जो पहले से नहीं बना, ऑलरेडी जनरेट नहीं हो। अगर होगा तो लिख देगा ये जो नंबर है, ये जो यूजर नेम है ऑलरेडी जनरेट है। ठीक है, तो वो नहीं करना है, तो आप ऐसा डालिएगा जो आराम से ले ले, कुछ अलग डालिएगा तो आपको एचबी में यूजर नेम ले लेगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे पिन है, पिन डालना है आपको, तो पिन क्या डालेंगे, ऐसा सिंपल पिन डालेंगे जो ताकि इसको बाद में लॉग इन करने में आसानी होगा। जैसे मैं अगर डालूंगा तो मैं डालूंगा 1 1 5 5 2 2 इस टाइप से। ठीक है, तो ऐसा आपको डालना है जो आपका पिन अच्छा से लॉग इन हो जाए, आप आराम से उसको लॉग इन कर सके। तो एक बार इसमें पिन डालना होगा, फिर आपको कंफर्म करने के लिए इसमें पिन डालना होगा, और यहाँ पे आई कंसेंट टू टर्म ऑफ यूज, मतलब आप टर्म एंड कंडीशन को समझ के यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई करेंगे तो फिर एक ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करने का जो ओटीपी जाएगा ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंटरफेस खुलेगा आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस है। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, तो ये इंटरफेस खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाउ जो बटन है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो अलाउ बटन पे क्लिक कर देंगे। अलाउ करने का क्या होगा दोस्तों, ये एक स्टेप आगे बढ़ जाए, ये इस प्रकार का इंटरफेस खुल गया। और इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई टाइप, इसमें देखिए दोस्तों जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट है वो तो न्यू एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो पार्ट वन में एडमिशन करवाए कोई कैंडिडेट, तो उनको ये बोला जा रहा था, वो न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट ओल्ड है पार्ट वन या पार्ट टू में है, ठीक है, ऑलरेडी पहले से, तो वो क्या करेंगे, रोल नंबर भर देंगे, जैसे कि उनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर भी भर देंगे। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप भर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर माने रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक करते, तो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा,
और यहाँ डालने के बाद यहाँ पे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मान लीजिए आपने डाल दिया, ठीक है, इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन डाल दिया, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा आपका मतलब यूनिवर्सिटी। मेरा यूनिवर्सिटी है मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, मिथिला LNMU, तो मैं इस पे डालता हूँ, तो इसमें ऐसे आता है ललित नारायण के नाम से आता है LALIT, ठीक है, ये ललित नारायण का नाम आ गया मिथिला, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, ये आ गया ऑप्शन। अब इसमें एडमिशन ईयर होगा, आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 या जिस ईयर में एडमिशन करवाया था, ठीक है, तो वो ईयर आप सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मैं करूंगा ऐसे सेलेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से आपको है सेलेक्ट ईयर करना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है जो इसी बार एडमिशन करवाए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है न रोल नंबर है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये वाला, ये हो गया आपका न्यू एडमिशन, ठीक है, न्यू एडमिशन कर लिए, ललित नारायण स्टूडेंट जो आपका यूनिवर्सिटी है वो वैसे ही सिलेक्ट रहेगा, और आपने 2024 में एडमिशन लिया है, ठीक है, इस साल, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए मेरा ये जो आईडी है जनरेट हो गया, ठीक है, आईडी जनरेट हो गया, मुझे यहाँ पे आईडी शो कर रहा, आईडी शो कर रहा, तो क्या करना है इसके बाद, आपको क्या करना है, ये आईडी का ना एक फोटो खींच के रख लेना है, ताकि आपका ये आईडी सेव रहे। फोटो खींचने का क्या करना है, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ना यहाँ पे जो पिक्चर है वो बन के आ जाएगा, ये आपका पिक्चर शो करेगा, यहाँ पे आपका आईडी शो करेगा, तो ये हो गया आपका आईडी बन गया। आप जो क्या कीजिए दोस्तों, इसको लॉग आउट कर दीजिए, ठीक है, लॉग आउट कर दीजिए, और लॉग आउट करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से डिजी लॉकर ओपन करना है, जो अभी आपने आईडी बनाया है डिजी लॉकर का, वो आपको ओपन करना है, ठीक है, डिजी लॉकर आप जब ओपन करेंगे तो डिजी लॉकर में आपका ये जो आईडी है, ठीक है, ये जो आपका आईडी जो आपने बनाया अभी, वो आईडी यहीं से आपको डाउनलोड होगा। जैसे ही डिजी लॉकर डाउनलोड मतलब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के शुरू में ही आपको होम पे यहाँ पे सामने में दिख जाएगा अपार आईडी कार्ड, देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको नाम आ जाएगा, ऊपर में ही आगे में ही फर्स्ट जो आपका फेस इंटरफेस खुलता है उसी पे आपका नाम आ जाएगा अपार आईडी कार्ड, पे क्या करना है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, आपको एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और उस पीडीएफ में आपको आपका आईडी कार्ड शो करेगा, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, उस पीडीएफ से आपको डाउनलोड कर लेना, और इस प्रकार से आपका एबीसी आईडी कार्ड आराम से बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, आप लोग को वीडियो समझ में आया, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो बना के बताता रहूं। थैंक यू दोस्तों।